और इनकी कुछ डिमांड्स हैं केंद्र सरकार से। हमारे साथ हैं नरेंद्र गौड़ जी जो कि इस प्रोग्राम को जो है लीड कर रहे हैं। सर, आज आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, विशाल रूप में आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या है केंद्र सरकार के समक्ष आपकी मांग है? जी, आज जंतर मंतर में बहुत विशाल के धरना है मेरा, ये ओबीसी सेंसस का हो रहा है। ओबीसी सेंसस की यही अंग्रेज वाला करे, यही आज ही गवर्नमेंट नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट नहीं करे। अंग्रेज वाले 1881 से 1931 वर्क 6 टाइम्स करे। ये देश में 6500 कास्ट होना, यही 1931 सेंसस प्रकार द्वारा 2021 में कास्ट बेसिस सेंसस करना। और 2018 में वो राजनाथ सिंह केंद्र गृह मंत्री बोला, क्या बोला, ओबीसी सेंसस करके करता बोले। वो नरेंद्र मोदी भी बोला ओबीसी सेंसस करके। यही देश में ये कुत्ते की भी अकाउंट करना, वो दोमक्की का अकाउंट करना, बहुत सारे जीवी की, वृक्ष की, बहुत सारे पूरे की अकाउंट है, यही जनाबा की करें। यही सेंसस, वो पूरा सेंसस है, यही ओबीसी की सेंसस नहीं है। ओबीसी सेंसस करने के देश पूरे देश में ओबीसी 18,000 में 18 करोड़ में, मतलब है कि एक जो नीचे तबके का जो जानवर तक को हर चीज सुविधा दी जाती है, लेकिन हम ओबीसी वालों को नहीं। हाँ, वही जानवर तक को करते बोले। यही कोरोना आए तो थोड़ा लेट हो गया, यही नेक्स्ट सितंबर और अक्टूबर में वो स्टार्ट होता है। देश की जनता की वो हिसाब करने की, वो देश की जनता की हिसाब करने की, ये ओबीसी भी करना, कास्ट बेस्ड करना, पूरा देश में कास्ट बेस्ड करना। मैं ये डिमांड, आपकी पूरे देश के लिए डिमांड है। हाँ, देश के लिए डिमांड है, देश के लिए डिमांड है। देश में पूरा कितना कास्ट है, कितना देश में कितना जाति है, उतना जाति के काउंट करें, क्या क्या है, वो कौन सी जाति का कितना रिजर्वेशन लिया, कितना जमीन लिया, कितना बजट लिया, कितना फैक्ट्री लिया, ये गवर्नमेंट से कौन बेनिफिशियर है, ओबीसी कितना बेनिफिशियर है। ओबीसी वालों की 1931 सेंसस में 52 करना है, वो 6500 कैस्ट में 2633 कैस्ट है पूरा देश। आप राजनीति में भी कुछ चाह रहे हैं कि राजनीति में भी हमारे लोगों को जो है एक अलग से जगह मिलनी चाहिए? ओबीसी को यही केंद्र प्रभुत्व में कांग्रेस और बीजेपी वो पिछड़े वालों को नीचे है, नीचे करने के लिए दोनों के पूरे करने। यही देश में ओबीसी की यही वीपी सिंह साहब से नेक्स्ट पीएम कौन भी नहीं देते। ओबीसी वाला 52% है, ये देश में 27% रिजर्वेशन देते। वो ईडब्ल्यूएस वाला 10% है, वो 5-7% है, वो 10% रिजर्वेशन दिए ओबीसी की, ये ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी 50-60% दिए, 60% है, वो 25% रिजर्वेशन दिए, कैसा है वो ओबीसी वाला, वो बहुत तो बड़ा, आप कहना चाह रहे कि ऊंट के मुंह में जीरा दे दिया। ओबीसी वाला बहुत बड़ा शेर है ना, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी का प्रधानमंत्री है ना, ओबीसी प्रधानमंत्री है तो ओबीसी के खिलाफ कैसा करना। नरेंद्र मोदी जी की मैं डिमांड कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट देश में पब्लिक काउंटिंग में वो ओबीसी की कैस्ट बेस काउंटिंग करने की वो डिमांड है। जय ओबीसी, जनगणना करना चाह रहे हैं। हाँ, जनगणना। तो अब लास्ट में अगर आपकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं करते राम कुमार, तो आप लोग क्या करेंगे? 2000 लेवल में सोशियो इकोनॉमिक सेंसस करें, पब्लिशिंग नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है, पब्लिक डोमेन में आता ना। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला, सेंसस है तो ओबीसी की रिजर्वेशन बराबर देता बोला सुप्रीम कोर्ट वाला, बोले वो 2-3 टाइम बोले सुप्रीम कोर्ट में। वो नरेंद्र मोदी साहब बीसी का प्रधानमंत्री है, बीसी की नहीं दे रिजर्वेशन देने का, नहीं दे तो नरेंद्र मोदी की सीट में उठा निकल जाए। ओबीसी में आप लोग उसको दिखा देंगे बीसी का, हम सत्ताधारियों के साथ क्या कर सकते हैं अगर आपकी डिमांड। ओबीसी सेंसस करना, ओबीसी सेंसस पक्का करना, 50% बीसी के
50% बीसी की रिजर्वेशन देना, नहीं तो बीजेपी की घुटना जय ओबीसी, जय ओबीसी, वी वांट।